हाय गाइस, राठौर देवयानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूप रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर टमाटर का सूप। इसके लिए हमें चाहिए दो टमाटर, अदरक, लहसुन और गाजर। और ये सूप हम कुकर में ही बनाएंगे, इसलिए पहले मैं गाजर को काट देती हूँ। थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटेंगे और टमाटर के भी बड़े बड़े ही पीस करेंगे। और हम इसमें टमाटर भी डालेंगे काट के। और इसी कुकर में हम बॉईल करने रखने वाले हैं। और ये सूप फ़ायदा भी बहुत करता है खून बढ़ाने में, और डेली सूप पीना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप पानी। अब मैं इसमें कुकर में डाल के इसको बंद कर रही हूँ, और मैं गैस ऑन करके इससे 3 से 4 सीटी बजने दूँगी और थोड़ा गैस स्लो करूँगी, क्योंकि फ्लेम बाहर ना जाए, गैस भी वेस्ट ना हो इसकी वजह से। कुकर को गैस बंद करके हम इसको ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं। बाद में हम इसको ठंडा होने के बाद पीसेंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम खोलेंगे और देखेंगे कि बॉईल हो गया है कि नहीं अच्छे से। इस सूप को मैं हैंड ग्राइंडर में भी पीस सकती थी, पर मुझे मिक्सी में पीसा हुआ ज़्यादा पसंद है और इसमें अच्छा भी पीसाता है ये सूप। इस पे हम ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें थोड़ा सा, और वो कम ही डालना है क्योंकि इसकी तिखास ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इसमें हम नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार। इसको हम 2 मिनट के लिए कढ़ाई में उबालेंगे। इसके अंदर मैं बटर भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, जिसको चाहिए वो डाल सकता है। सूप अब हमारा सूप रेडी हो चुका है और इससे आप पी सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और नई नई रेसिपी जानने के लिए राठौर देवयानी किचन को सब्सक्राइब करें।